हामिद अंसारी का विवादों से बहुत ही गहरा नाता रहा है, लेकिन हाल ही में जो भारत के विरुद्ध उन्होंने विष उगला उससे उन्होंने अपनी शामत बुलाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कैसे पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को अपना आवश्यकता से अधिक इस्लाम प्रेम अब बहुत भारी पड़ने वाला है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत के विरुद्ध जो विष उगला था उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इसी क्रम में शीर्ष भारतीय राजनयिक, प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार एवं पूर्व भारतीय राजदूत दीपक वोहरा ने इस बात की पुष्टि की है कि हामिद अंसारी के विरुद्ध विदेशी और इस्लामिक लिंक से संबंध में जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही इस जांच के नतीजे सामने आएंगे। द फेस्टिवल ऑफ भारत नामक एक लिटरेचर फेस्टिवल के चैनल से बातचीत में दीपक वोहरा ने कहा, यह चेतावनी हमारे कई खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत सरकार को दी जा चुकी है कि हामिद अंसारी की प्राथमिकताएं कभी भी भारत के पक्ष में नहीं थी, वह हमेशा इस्लाम से जुड़ी थी। उनकी ईमानदारी हमारे पड़ोसी मुल्क वालों के साथ देखने को मिलती थी। वोहरा ने बातचीत में ईरान में पकड़े गए भारतीय अधिकारियों का मुद्दा उठाया और याद दिलाया कि कैसे भारतीय अधिकारियों के बच्चे और बीवियां अंसारी के आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि उनके अपनों को छुड़ा लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। रोचक बात यह भी है कि दीपक वोहरा IFS सेवा में हामिद अंसारी के जूनियर थे और इस बात की चर्चा उन्होंने उक्त चैनल के साथ अपने वार्तालाप में भी की। उन्होंने जानकारी दी कि हामिद अंसारी उनके IFS में सीनियर रहे हैं और वह उन्हें विश्वासघाती यानी ट्रस्ट बस्टर की श्रेणियों में रखते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर हामिद अंसारी को देश के प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत थी तो उन्होंने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्यों बदनाम करने का कार्य किया। उन्होंने बताया कि हामिद अंसारी द्वारा मातृभूमि के बारे में बोले गए शब्दों को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। वह कहते हैं कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के साथ हामिद अंसारी शामिल हुए, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हर कोई जानता है। इसी का इस्तेमाल करते हुए हामिद ने भारत को अनाप शनाप बोला। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को संदिग्ध सूत्रों से फंड मिलता है और इसका संबंध पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों से भी है। आगे की बातचीत में दीपक वोहरा ने हामिद अंसारी के उन कारनामों को उजागर किया जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए, फिर चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो या फिर ईरान के राजदूतों को दिया गया धोखा हो। बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर हामिद अंसारी ने देश के लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है और अब वह संवैधानिक मूल्यों से दूर हट चुका है। हिंदू राष्ट्रवाद पर चिंता जताते हुए हामिद अंसारी ने भारत के बहुलतावादी संविधान के संरक्षण पर भाषण दिया। उन्होंने कहा था, हाल के वर्षों में हमने उन प्रवृत्तियों और प्रथाओं के उद्भव का अनुभव किया है जो नागरिक राष्ट्रवाद के सुस्थापित सिद्धांत को लेकर विवाद खड़ा करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक नई एवं काल्पनिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। यह असहिष्णुता को हवा देती है और अशांति एवं असुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही अंसारी ने खुद से अपनी पीठ थपथपाते हुए बताया कि कैसे उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश की संसदीय प्रणाली और कानून को पूरी तरह से पारदर्शी रखा। इसके अतिरिक्त हामिद अंसारी ने इस देश के लिए वास्तव में क्या योगदान दिया था, इसका सार आपको PM मोदी के उस भाषण से भी मिल जाएगा जब उन्होंने हामिद अंसारी के पद छोड़ने पर दिया था। हामिद अंसारी को उनकी क्षमता के अनुसार कई महत्वपूर्ण पद मिले, लेकिन संवैधानिक पदों पर रहने के बावजूद अपनी कांग्रेसी मुस्लिम तुष्टिकरण वाली विचारधारा वह नहीं छोड़ पाए। ईरान में बतौर राजदूत उन्होंने खुफिया एजेंसी रॉ तक पर प्रश्न चिन्ह लगवा दिए और उसके साथ समझौता करने में उन्होंने कोई भी गुरेज नहीं किया। बतौर उपराष्ट्रपति मोदी सरकार के बिलों को भी राज्यसभा में पास करने में खूब अड़ंगा डाला। यही कारण था कि उन्होंने अपने आखिरी संबोधन में भी अल्पसंख्यकों का रोना रोया। इसके चलते प्रधानमंत्री ने उनकी आलोचना करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। संसदीय भाषण में उनके सारे कुकर्मों को उजागर करते हुए अपने व्यंग्यात्मक लहजे में PM मोदी ने कहा, कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी,
लेकिन आज के बाद शायद वो संकट भी नहीं रहेगा, मुक्ति का आनंद भी रहेगा, आपकी मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार कार्य करने का, सोचने का, मार्ग बताने का अवसर भी मिलेगा। साफ शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने हामिद अंसारी को बिना हाथ उठाए एक करारा तमाचा जड़ा था।